गाइस, मेरा नाम है सरस। वेलकम टू माय गेमिंग चैनल स्प्लैश गेमिंग, और ये है मेरी पहली वीडियो। और वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग खेल रहे हैं क्लैश स्क्वाड रैंक। तो स्टार्ट करते हैं। और मुझे शीरो करेक्टर मिला है और मैंने इसे सारे स्किल स्लॉट अनलॉक कर दिए हैं। और मुझे ये मेरा पहला करेक्टर है जिसका मैंने सारे स्किल स्लॉट अनलॉक किए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो देखते हैं हम जीत पाते हैं कि नहीं, और बुआ कर पाते हैं कि नहीं ये मैच। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बुआ करने के लिए। वैसे मैं इसमें मैं प्लेटिनम 4 पे हूँ। मैंने मेरे दोस्त से पूछा प्लेटिनम को प्लेटिनम 4 का कलर कैसा होता है। उसने बोला पिंक होता है। तो मैंने उसके साथ एक प्रैंक किया। मैंने कहा अरे हाँ यार, तू सच बोल रहा है, प्लेटिनम 4 का कलर पिंक होता है। और फिर मैंने उसको बोला और डायमंड का रेड होता है। उसने कहा हाँ। मैं मतलब बहुत हंस रहा था मन ही मन। और मुझे वो दिख गया कर देते हैं उसको। मैं तो एकदम हड्डियों के पीछे छुप रहा था। मुझे लगा उसने मेरे को देख लिया और मेरे को लेकर तुरंत आएगा मारने के लिए, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे बंदे कहाँ जा रहे हैं, इन्हें से कूदना नहीं आता। अरे मैं भी वैसे कूदूं एकदम ओपी। और 2 मिनट गिर आ गया मेरे पास, पता नहीं कैसे। मेरे को मैंने लूट बॉक्स नहीं चेक किया था उसका, और लूट नहीं कर ली थी उसकी। और आई थिंक सुको ही है, वहाँ ऊपर है, उधर देख सकते हैं। तो फिर नहीं कर मैं अभी बस तुक्के लगा रहा हूँ। ओ भाई, हमारी टीम पूरी वॉच टावर बन के ऊपर खड़ी है। चलो मैं भी आता हूँ और मैं एकदम इमोट करता हूँ। ये सारे लोग अभी इमोट कर रहे हैं। वाओ, इसके लगते हैं इसके पास कोई इमोट नहीं है। और वो भाई सारे बंदों ने ऐसा मारा, वो सोच रहा है ये लोग इमोट कर रहे हैं। मैं पीछे से भागता हूँ तो अभी सबने पीछे से मुड़ा हेलो और सीधा हेड पे हेड मारा। और हमें इसकी रेड लाइन इधर नहीं दिख रही। देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है। देखो ये रही, हमें दिख ही नहीं रही मतलब थोड़ी देर के लिए। देखो अभी आपको यहाँ दिख रही है। देखो अभी हाँ, अभी आपको दिख रही है। देखो मुझसे कहने के लिए पता नहीं लाइन चली हुई टाइप की जाती है। और अभी हम लोग यहीं जाएंगे क्योंकि हमें लगता है वो लोग यहीं से आएंगे। और हम लोग थोड़ा कवर लेके जाएंगे। और हमें बंदा मतलब जहाँ हम सोच रहे हैं बंदा वहीं जा रहा है। और बंदे ने मार दिया मतलब भाई मार। थैंक यू भाई, बचा ले।